सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल धाकड़ किसान को और पास ही आए बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ किसान में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रिंचिंग का एक ऐसा देसी जुगाड़। तो क्या आप भी स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगाते हो या फिर टोमेटो की खेती करते हो या फिर मिर्ची की खेती करते हो, तो उसमें आपको ड्रिंचिंग की जरूरत पड़ती होगी। तो कहीं ना कहा उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी देसी जुगाड़ के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रिंचिंग कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए कि आप भी इस प्रकार से ड्रिंचिंग करते हैं। इस टाइप से एक बाल्टी लेके, इस टाइप से एक मग से आप इस टाइप से पूरे पौध के जो जड़ होती है वहाँ पर इस टाइप से कोई भी फर्टिलाइजर देना हो, खाद देना हो किसी प्रकार का, तो आप इस प्रकार से देते हो। तो दोस्तों ये तरीका भी बहुत सही है, लेकिन आज के आधुनिक जमाने को देखते हुए ताकि जो हम कभी कभी इससे, ये देखिए ये मग है, तो इससे हम अगर पौधे में डालते हैं और किसी हाई फर्टिलाइजर हो और अगर ऐसे इस टाइप से हमने ज़्यादा डाल दिया, अगर किसी अगर मग बुरा भरा हो और ये गलती से भी ज़्यादा डल गया तो पौधे की जड़ सूख सकती है, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक ऐसे जुगाड़ के बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए आप सभी किसान भाइयों के पास ये स्प्रे की जो टंकी होती है वो तो मिली जाती होगी। और ये देखिए हम इसमें थोड़ा फर्टिलाइजर है, ये थोड़ा हमने क्या खाद का वेस्ट क्या बोलते हैं इसको जो होता है वर्मी मॉस, ये हम भर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है IMC का हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर, इसको भी मैं डाल लेता हूँ। इसकी हम ड्रिंचिंग करने वाले आज हमने स्ट्रॉबेरी प्लांट में। तो ये देखिए मैं 150 से 200 ml अपने टंकी में डाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए जो हमारी स्प्रे टंकी हमने फर्टिलाइजर से भरकर रेडी कर दी है। तो ऐसी स्प्रे टंकी तो सभी के पास मिली जाती होगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो आपके ऊपर स्प्रे करने के लिए ऊपर ये फुहारा आता है इसको आपको खोल लेना है और आपको इसमें थोड़ी एक अलग टंकी की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ये देखिए बटन है, इसमें आपको ड्रिंचिंग करने के लिए आपको इसमें एक तो ये अपने मेन पावर का बटन रहता ही है, तो इसे ऑन करते ही चालू हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको ऐसी टंकी लेनी है, अगर आपके पास सिर्फ मेन पावर बटन है तो आपको उसमें एक ऐसी टंकी लेनी है। और आपको ये देखिए ये यहाँ पर मेन जो रेस जिसे आप मोटर होती है अंदर जो उसकी स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए देखिए थोड़ी सी कम पे चल रही है, इतना इतना पानी आ रहा है। इसके बाद मैं इसे फुल करूँ तो ये देखिए फुल स्पीड पे चल गई। इस टाइप से आपको जिसमें स्पीड हो वो वाली टंकी लेनी है। तो आइए मैं आपको खेत में ड्रिंचिंग करके बताता हूँ और किस टाइप से पूरा डालना है। तो दोस्तों बने रहे पूरे वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास आए बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों ये देखिए हमारे स्ट्रॉबेरी का पूरा प्लांट है और हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मदर प्लांट लगाए। तो मैं आपको इसमें आप ड्रिंचिंग करके बताता हूँ किस प्रकार से ड्रिंचिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं मोटर ऑन कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा जो ये देखिए इस टाइप से डालना है, यहाँ जितना आपको डालना हो उतना यहाँ देखिए पूरा इस टाइप से डाल देना है। तो ये देखिए ऊपर मेरे हाथ में जो वाल है, देखिए ऊपर देखिए ऊपर देखिए कि ये देखिए कि वाल है मेरा हाथ में। इस टाइप से आपको इतना प्रेस करना है जितना आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर डालना है पौधे में। तो इस टाइप से इसको प्रेस करना है, जितना 100 ml डाल रहा हूँ 50 ml डाल रहा हूँ उतना आप इस पर डाल के वापिस आगे जा सकते हो। देखिए और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा स्पीड से लाना है तो ये देखिए यहाँ पर बटन है, इसको थोड़ी स्पीड से घुमाएंगे तो ये देखिए जितना स्पीड से घुमाएंगे ये देखिए इतनी स्पीड से पानी आने लगेगा। और अगर आपको पूरे वेट पे है तो इस टाइप से पूरा डाल सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पूरे खेत में ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और ये देखिए मैं अपने खेत में ड्रिंचिंग कर रहा हूँ पूरे इस प्रकार से, और आप भी जैसे हो उस टाइप से कर सकते हो। और इससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि आप अगर एक प्लांट है उसमें आप 50 ml डालना चाहते हो तो आप, मैंने आपको बताया था कि मग और बाल्टी से आप डालोगे तो उसमें आपको 50 की जगह मग अगर पूरा भरा होगा तो 100 ml भी डाल सकता है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार आप अपने वाल से अगर आप अपने हाथ में रहेगा पूरा कंट्रोल और इस प्रकार से आप हाथ से डालोगे तो उसमें आपको जितना जो फर्टिलाइजर आपको प्लांट को देना है 20 ml देना है 40 ml देना है उतना ही आप दोगे। तो इससे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि आप में जो गलती करते हो वो गलतियाँ कभी नहीं होगी और ये
आज को देखते हुए सबसे अच्छा जुगाड़ है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी उन किसान भाइयों को सबसे अच्छी जानकारी उन्हीं किसान भाइयों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।